जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 की वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में। वट सावित्री का व्रत, जो कि हर वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है और कहीं कहीं पर जो कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन भी वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस व्रत को स्त्रियां जो कि अटल सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत को धारण करती हैं और इस दिन विशेष प्रकार से जो कि वट वृक्ष के नीचे बैठ करके वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस दिन गणेश अंबिका, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन, ब्रह्म सावित्री तथा सत्य सावित्री आदि की मूर्ति स्थापित करके इनका वट वृक्ष के नीचे बैठ करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। यह व्रत जो कि अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाली है। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। संसार की सभी स्त्रियों में ऐसी कोई शायद ही हुई होगी जो सावित्री के समान अपने अखंड पातिव्रत और दृढ़ प्रतिज्ञा के यम द्वार पर गए हुए पति को जो कि सदेह लौटा लाई हो। अतः स्त्रियों को वट सावित्री का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को जो कि ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को प्रातः काल स्नान आदि करके जो कि संकल्प लेना चाहिए, मम वैधव व्याधि सकल दोष परिहार्थम ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थम सत्यवत सावित्री प्रीत्यर्थम च वट सावित्री व्रत महम करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प करके 3 दिन उपवास करनी चाहिए। यदि सामर्थ्य ना हो तो त्रयोदशी को रात्रि भोजन, चतुर्दशी को अयाचित और अमावस्या को उपवास करके शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस व्रत को जो कि सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है, सभी अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार इस व्रत को धारण करते हैं, तो आप अपनी परंपराओं के अनुसार ही इस व्रत को धारण करें। विशेषकर इस व्रत में जो कि बांस के पात्र में सप्तधान्य भरकर उसे 2 वस्त्रों से ढक देनी चाहिए, दूसरे पात्र में जो कि स्वर्ण की ब्रह्म सावित्री तथा सत्य सावित्री की मूर्ति स्थापित करके गंध अक्षतादि से पूजन करके तत्पश्चात वट के वृक्ष में जो कि सूत लपेटनी चाहिए और इस दिन जो कि जल, मौली, रोली, चावल, गुड़, भींगे चने, धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके बाद कम से कम वट वृक्ष के चारों ओर कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है, जो कि कम से कम 7 परिक्रमा की जाती है। इस दिन जो भी स्त्रियां व्रत को धारण करती हैं, नियम निष्ठा का पालन करती हैं, तो अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सौभाग्य अटल होता है। इस दिन जो कि सुहागिन नारियां नहा धो करके पूर्ण 16 श्रृंगार करके इस दिन पूरे विधि विधान के साथ वट वृक्ष का पूजन करती हैं। वट वृक्ष को जो कि पीपल के समान ही पूजनीय माना गया है और वट वृक्ष की जो कि आयु बहुत ही लंबी मानी गई है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस दिन जहां पर वट वृक्ष ना मिल पाए तो कहीं से भी एक डाल ला करके वट वृक्ष का जो कि एक गमले में लगा करके उस डाल को उसी से पूरे विधि विधान के साथ अपने पारंपरिक रूप से वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पूजा करके उसके बाद फिर इन मंत्रों के द्वारा जो कि सावित्री और वट वृक्ष की प्रार्थना करनी चाहिए। मंत्र अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वम मम सुव्रते पुत्राण पौत्रांश सौख्यम च गृहाना अर्घ्यम नमस्तुते। इस श्लोक से सावित्री को अर्घ देनी चाहिए और वट सिंचामि ते मूलम शलिलैर मृतोपमय है यथा शाखा प्रशाखाभिर वृद्धोसी त्वम महीतले तथा पुत्रश्च पौत्रश्च संपन्नम कुरु मे सदा। इस श्लोक से वट वृक्ष की प्रार्थना करनी चाहिए और फिर पूजा करके सत्यवान सावित्री की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इस प्रकार से जो भी व्रत को धारण करते हैं अटल सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। वर्ष 2023 में वट सावित्री का व्रत कब किया जा रहा है, तो आइए जानते हैं व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में।
वट सावित्री का व्रत जो कि विशेष प्रकार से अमावस्या तिथि के दिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 18 मई 2023 दिन गुरुवार रात्रि 9:44 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी जो कि 19 मई 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 9:24। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार शुद्ध रूप से जो अमावस्या तिथि के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन जो कि गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना, पीपल वृक्ष की पूजा करना, मंदिरों में तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करने का इस दिन बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो जो भी अमावस्या तिथि व्रत को धारण करने वाले हैं सभी 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को व्रत को धारण करेंगे और इस दिन वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। 19 मई को सूर्योदय का समय जो कि सुबह 5:12 और सूर्यास्त शाम 6:38। राहु काल का जो समय होगा 19 मई को वह समय सुबह 10:13 से सुबह 11:55 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन योग जो कि शोभन योग शाम 6:15 तक, उसके बाद अति गंड योग होगा। नक्षत्र जो कि भरणी नक्षत्र सुबह 7:29 तक, उसके बाद कृतिका नक्षत्र। वट सावित्री व्रत में पूजन के लिए जो शुभ मुहूर्त के अनुसार चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय चर लाभ अमृत नामक जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय है वह समय सुबह 5:12 से सुबह 10:13 तक वट सावित्री में पूजन आदि का कार्य संपन्न करे तो लाभकारी होगा। उसके बाद फिर मुहूर्त जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 1:35 तक होगा, लेकिन जहां तक हो सके सुबह के समय में ही, यानी कि सुबह 5:12 से सुबह 10:13 के अंदर ही आप पूजन संपन्न करें तो बड़ा ही अच्छा होगा। जो भी व्रत को धारण करते हैं व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए, व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, सच्ची श्रद्धा के साथ भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करके पूजन आदि का कार्य करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।